वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा क्या, सब लोग ठीक होंगे। तो आज है मेरा पहला पेपर और आज जो है मैं खुश हूँ कि यार मेरी बहुत अच्छी तैयारी हुई यार। तो इन 3 दिनों में मेरी बहुत अच्छी तैयारी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला मेरे जो थे बहुत अच्छे नंबर आएंगे और इंशाल्लाह आएंगे भी। तो अभी जो है मैंने पेपर देने जाना है, तो प्यार भी तो होना पड़ेगा ना। वो आप लोग कहोगे पेपर में कलर कपड़े पहनने। नो 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 नो, पेपरों में से मैं पहन के जाऊँ तो थोड़ी सी डांट खा लूँगी, लेकिन वजह बतानी पड़ेगी ना। क्या बताऊँगी, खैर छोड़ो, यूनिफॉर्म ही पहन के जाएंगे हम तो। वही हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म है, तो वही पहन के जाएंगे। तो अब मैं यूनिफॉर्म लेके आई हूँ इस रूम में। ये रही हमारी यूनिफॉर्म, अभी इसे पहनेंगे फिर आप लोगों से मिलेंगे। ओके, मैंने यूनिफॉर्म पहन लिया है। अभी जो है मैं डालूंगी शूज और स्टूडेंट कार्ड और बाल भी बना लेते हैं। बाल भी झाड़ जैसे लग रहे हैं, तो इनका क्या कसूर है। तो मैं इस मिरर के आगे जो है ना रेडी होने आई हूँ। तो मेरी बहन ने इसका सिस्टम ऐसे किया, इसको ना नीचे रख दिया कि वो बन रही थी वेडनेसडे। वेडनेसडे बन के स्कूल जाएगी तो टीचर को डरा देगी और अपना पेपर आसानी से कर लेगी, यू नो पावर ऑफ वेडनेसडे। तो अभी हम बाल बनाएंगे और स्टूडेंट कार्ड तो हमने पेन डाल ही लिया है और शूज भी। बस हमारे बाल रहते हैं वो भी जल्दी से हम बनाते हैं और मिलते हैं आप लोगों को। मैं रेडी हो चुकी हूँ और कैसी लग रही हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं हर रोज़ ही रेडी होती हूँ, आज पेपरों के लिए रेडी हुई हूँ ना, तो समझ रहे हो। तो अभी मैं लेने आई हूँ अपना बैग, तो मैंने कहा मिरर फिर से दिखा देते हैं अपना शेड मिरर कह सकते हैं इसको आप लोग। और ये आप लोगों के लिए यहाँ पर मेरा पड़ा है बैग, बटन दे रहा हो दिख ही रहा होगा, लेकिन इसमें बुक भी पड़ी है। तो मैं आप लोगों को ना दिखाती हूँ चीज़ें अंदर डाल के। मैं अपना पेपर वाला बैग ले आई हूँ और अभी जो है इसे पहनते हैं। इट्स माय बैग डन। मेरे सारे काम हो चुके हैं और अभी जो है हम मनी लेंगे और क्या लेंगे, चलेंगे बोतल, जिसे आप लोग बोतल भी कह सकते हो, मैं तो कहूँगी बोतल। तो अभी यहाँ पर मुझको मनी मिल चुका है, अभी रखते हैं इसको पॉकेट में, किसी को नहीं देते होते। गुड गुड बाय। ये वाला हेयर बैंड अच्छा लग रहा है तो मैंने ये भी पहन लिया। मोनी भी सही करनी पड़ेगी, चलो कर लेते हैं। यार मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और स्कूल से सारी यार मुझे भूख लगी थी, मैंने फटाफट ना मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और अभी जो है मैं और मेरी बहन वेनसडे हम लोग बनाने लगे हैं सैंडविच। तो यार मैंने इसका नया नाम आज़ाद किया वेनसडे हाट किया। तो अभी वेनसडे जो है ब्रेड में मायनेज लगा रही है और मैं जो हूँ फेंट रही हूँ आलू को और गोभी को। चलो आप लोग दिखाते हैं। ये रही वेनसडे जो ये काम कर रही है, मायनीज लगा रही है ब्रेडों के ऊपर और मैं यहाँ पर इसको फेंट रही हूँ। हाँ अभी ये हो गया है, हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अभी जो है इसको हम ब्रेडों के ऊपर लगाएंगे और सैंडविच मेकर में डालेंगे, तो आप लोग देखते रहिए सैंडविच। अभी इसके ऊपर जो है मैं ये कर रही हूँ, एक मैंने वैसे बना लिया।
जो है हमने सैंडविच के अंदर मेकर के अंदर डाल दिए हैं, तो अभी देखते हैं कब तक होता है ये, पहले खोल के देखते हैं उसको। मैंने सैंडविच बना लिए हैं अपने और साथ में केचप है, और ये आप लोग कह रहे हो कि पढ़ने लगी, नो नो इट्स अ कोल्ड ड्रिंक। मैं तो भाई इंजॉय करूँगी अपना लंच और आप लोग भी जाके इंजॉय करो, और मैं इंजॉय करने लगी हूँ छोटी भीम के साथ। मैं नहा कर आ चुकी हूँ और आते सर जो है जो मैंने बाल बना लिए, दुपट्टा ले लिया क्योंकि मुझे जाना था ट्यूशन, टाइम हो चुका है, टाइम भी ऊपर हो गया, 4:20 हो गए हैं, तो अब मैं जान लेके ट्यूशन, आप लोग कहते हैं बाय बाय। वेलकम बैक, मैं ट्यूशन से आ चुकी हूँ और मेरी हालत जैसी है, मैंने अपनी ऐसी की हुई है और इग्नोर करें इसको, और अभी जो है मगरिब हो गई, मगरिब से ऊपर टाइम हो गया, तो मैं तुम्हें स्नैक्स नहीं जा सकती, मुझे इजाज़त नहीं है, तो अभी तो मुझे यार डिनर टाइम की ही जो है इंतज़ार है कि यार डिनर में जो है मसर बन रहे हैं, तो शायद में रोटी ही होगी, तो ये देखते हैं डिनर, आप लोग भी दिखाते हैं। अभी हो चुका है टाइम, तो डिनर टाइम में जो हूँ खाने लगी हूँ मसर और रोटी। या मैंने पढ़ लिया है, सारे काम कर लिए हैं, अभी करते हैं इस व्लॉग को एंड। और आज जो था मेरा पेपर था साइंस का, जो बहुत अच्छा हुआ, और अगला जो है मेरा पेपर इस्लामियत का है, और इंशाल्लाह उसका भी जो है वो जो पेपर है अच्छा होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे पेपर ही अच्छे होंगे। तो अभी आज तो भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज मैं स्कूल से आगे सोई भी थी, जब मैंने आप लोगों को दिखाया सैंडविच के बाद मैं सोई थी, और फिर कि थक गई थी मैं तो सोना ही था, तो सोई और फिर 3:30 तक उठी थी क्योंकि मुझे नहाना भी था, तो आज मैं लेट भी गई थी ट्यूशन, और देखते हैं भाई कल का क्या दिन गुजरता है। अभी भी मैं थकी हुई हूँ, अभी मैंने सोना है, रिलैक्स करना है और कंफर्टेबल होना है, तो जो है वैसे आप लोगों को भी ये करना चाहिए कि रात को सोने से पहले अपना सारा स्ट्रेस जो टेंशन होती है ना आप एक्साइटमेंट कर दें, जो टेंशन होती है एक्साइटमेंट कर लें और रिलैक्स होके लेटें, टेंशन फ्री हो जाए, और इससे जो है आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, कंफर्टेबल रहेंगे आप। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आप लोगों को कल की वीडियो में।